the mental health business, since everything in this world has turned into a business these days, we can't negate the aspects of mental health uh, in terms of a business as well. Now talking about money and managed care, digital mental health is no longer solely restricted to talk therapy or medication management. अब इसमें सिर्फ वो हम limit नहीं कर सकते कि ये आपके साथ जो है वो एक talk therapy की form में लोग बातें करेंगे और आपके mind को समझेंगे और आपको कुछ help provide करेंगे. या वो आपको मेडिकेशनल मैनेजमेंट की फॉर्म में जो है वो असिस्ट करेंगे अर्निंग प्राइवेट प्रैक्टिस ऑफ साइकोथेरेपी एंड असेसमेंट सर्विसेज हैज बिकम इंक्रीजिंगली चैलेंजिंग सिंस द एडवेंट ऑफ मैनेज केयर एंड ग्रोथ ऑफ इंटरग्रेटेड हेल्थ केयर सर्विसेज अब आप देखें हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं इवन हम अगर कैंसर की बात करते हैं विच इज अ फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम और उसकी लास्ट स्टेज के ऊपर जब हम देखते हैं कि एक पेशेंट के ऊपर कैंसर की फोर्थ स्टेज पे कैंसर स्प्रेड होने के बाद कोई मेडिकेशंस जो हैं वो अपना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करें देर कम्स द हेल्प ऑफ पेन मैनेजमेंट अब पेन मैनेजमेंट क्या है दिस इज ऑल अबाउट साइकोलॉजिकली डीलिंग योर पेन और उसके अंदर आपको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं उनकी हेल्प रिक्वायर होती है कि वो आपको उस पेन के साथ लर्न करके जिंदगी गुजारना सिखाएं सो दिस इज नॉट अबाउट ओनली टॉकिंग अबाउट टू द इशूज विच आर बॉर्डरिंग यू दे आर वेरी मच प्रैक्टिकल एंड रियल इन इट्स सेल्फ सो देर कम्स द रोल हेल्थ साइकोलॉजिट कम इन जहाँ पे हम लोग टर्मिनली इल और क्रॉनिक के साथ आने वाले लोगों को अपनी जिंदगी में डील करना जो है वो बताते हैं कि वो कैसे किया जा सकेगा कि कौन सी टेक्निक्स यूज करने के से आपकी पेन जो है वो कम हो सकती है सो इट हैजरेडी बिकम्स अ वेरी पॉपुलर एंड अ वेरी फैसिनेटेड एरिया एंड इट्स ऑल्सो वेरी मच नीडेड सो नाउ इट टर्स इन अ फॉर्म ऑफ अ मैनेज केयर and it's a broad term that represents a service delivery system concerned with managing health care cost quality and access to services so these are the things which has been shaped into another way and now they are uh, something uh, which can be easily called that इसका हम एक तरह से इसे एक बिजनेस के टर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे कि मेडिसिन uh, जो है वो एक बिजनेस है इसी तरह मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए ये इनकी थेराप्यूटिक टेक्निक्स जो हैं ये भी एक बिजनेस है वट टू चार्ज नाउ द क्वेश्चन इज दैट वट एंड हाउ टू चार्ज द इंडिविजुअल्स द कस्टमरी चार्जेस फॉर वन सर्विस इट इज कॉम्प्लिकेटेड टास्क आप ये डिसाइड कर सकें कि आप किससे कितने पैसे लेंगे बिकॉज इट्स मिक्स इशू ऑफ इकोनॉमिक्स बिजनेस सेल्फ स्टीम एंड अ वाइटी ऑफ कल्चरल एंड प्रोफेशनल टापोस कुछ जगह तो ऐसी हैं जहां पर आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल का नाम लें तो कोई पूछेगा कि हु किसकी बात हो रही है किसको पैसे देने हैं आई मीन कहीं पर uh, इसका इतना ज़्यादा सिस्टम के अंदर इंटेग्रेशन है जो बहुत ज़्यादा डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पे प्रॉबेबली सबसे ज़्यादा जो चार्जेस हैं वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स लेते हैं सो इट वेरीज अक्रॉस द कल्चर बिकॉज साइकोलॉजिस्ट थिंक ऑफ दम सेल्फ एज मेमर्स ऑफ द हेल्पिंग डिस्कसिंग मनी मे सीम्स इनसेंसिटिव और हैवीली लेड इन विद अनकॉन्शियस इशूज जनरली हमारे यहाँ जो साइकोलॉजिस्ट हैं बिकॉज सोसाइटी परसीव नहीं करती कि वो पैसे चार्ज कर सकते हैं और वो अपने आप को एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल भी कहते हैं तो पैसे चार्ज करने की बात करना इट सीम्स टू बी वेरी ट्रिवियल एट सम टाइम्स बिलीव मी अब से कुछ साल पहले तक तो इस चीज़ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल कुछ चार्ज भी कर सकता है बट नाउ थिंग्स हैव चेंज एंड कंपेरिजन ऑफ फी इज राधर कॉम्प्लीकेटेड बाई डिफरेंजर्स एंड अदर वेरिएबल्स सो सिंपली स्पीकिंग के इट डिपेंड्स कि एक साइकोथेरेपिस्ट कितना वेल well नोन है सोसाइटी उसको कितना एक्नोलिश करती है उसके पास जाने वाली क्लाइंट एज उसके बारे में कैसी रिप्यूट रखती है वो कितना ज़्यादा इंटरेस्ट से आपका सेशन लेता है वो कितनी लेंथ का आपका सेशन लेता है पाकिस्तान में बेसिकली दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू डिटर्मिन योर फी रादर देन के आप मार्केट वैल्यू और अदर चीज़ों को देखें फॉर एग्जाम्पल रेट्स कैन डिफर डिपेंडिंग ऑन वेदर द सर्विस प्रोवाइडेड इन्वॉल्व साइकोथेरेपी साइकोफार्मोकोलॉजी फोरेंसिक सर्विसेज, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट एंड ग्रुप थेरेपी ये सब वो फॉर्म्स और टेक्नीस हैं जिंग के चार्जेस जो हैं वो वेरी कर सकते हैं एक फॉर इस इंस्टेंस अगर आप एडी बच्चे की असेसमेंट के लिए जाते हैं तो उसके प्रॉबली अगर हम बहुत मिनिमम भी रेट्स की बात करें तो वो नाइन थाउजेंड रुपीज़ पर पैकेज होंगे किसी एक एवरेज जगह से अगर हम पाकिस्तानी सेटअप की बात करते हैं अगर हम वेस्ट में जाते हैं दे वुड भी एज हायर एज यू कैन इवन थिंक ऑफ Uh, कुछ जगहों पर आपको फ्री पेपर पेंसिल टेस्ट की बेसिस के ऊपर कुछ इंटर्न या वॉल्टियर्स आपको कुछ असेसमेंट दे सकते हैं बट दैट कुड नॉट बी यूज एनी अगर आप उसकी बेसिस के ऊपर कोई बेनिफिट लेना चाह रहे हैं सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट फॉर वट परपज यू आर गोइंग टू टेक दैट असेसमेंट एंड डायग्नोसिस दिस में एक्सप्लेन क्लाइंट्स कंप्लेन एंड एथिकल डिफिकल्टीज फ्रीकुनली अराइज इन कनेक्शन विद बिलिंग फॉर मेंटल हेल्थ सर्विसेज क्योंकि जब इतने डिफरेंट सनारी के अंदर हम लोग बात कर रहे होंगे तो एट टाइम्स चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं ऑफन द प्रॉब्लम्स फ्लो फ्राम मिसकम्यूनिकेशन प्रोसीजरल इग्नोरेंस और नेविएट रादर दैन द ग्रीड जरूरी नहीं है कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल बहुत ग्रीडी और वो ज़्यादा चार्ज करे एट टाइम्स आप कुछ ऐसे टेस्ट यूज कर रहे होते हैं जो बेसिकली बहुत एक्सपेंसिव होते हैं इफ़ आई टॉक्ट अबाउट दैट हाउ मच अ टेस्ट कुट कुड बी एक्सपेंसिव इट कुड बी एज एक्सपेंसिव एज यू कुड थिंक ऑफ लाइक अगर हम सिर्फ एक बायो फीडबैक मशीन की बात करते हैं दैट ओनली मशीन इज फॉर फाइव लैक जो कि किसी भी साइंस के इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट के बराबर है अगर हम किसी एक हाई लेवल के टेस्ट की बात करें तो वो मे भी वो फाइव लैक एंड अबव भी हो सकते तो जब हम लोग इतने एक्सपेंसिव टेस्ट बाय करेंगे और उनसे क्लाइंट्स को सर्विस देंगे तो प्रॉबेबली उनके रेट्स जो हैं वो उसके अकॉर्डिंगली कुड भी डिफर एज बैट